अरे पापा, आपने मुझे कहा था कि संडे के दिन हम गेम खेलेंगे। देखिए ना, आज तो संडे है, जल्दी से बताइए आप मुझे कौन सा गेम खिलाने वाले हैं। अरे नैना बेटे, मेरी बेटी की तो हर फरमाइश पूरी होंगी। बताओ क्या खेलना है और कौन सा गेम खेलना है। अरे पापा, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे एक नया सा स्नूकर गेम खिलाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम आपका वो गेम कौन सा है और कहाँ लगा हुआ है। मैंने तो सिर्फ ये नाम सुना था कि आप मुझे स्नूकर गेम खिलाएंगे। ओहो, अच्छा नैना बेटा, मैं तो भूल ही गया था। रुको, मैं अभी गेम लेकर आता हूँ। अरे लाचू, देखो पापा स्नूकर गेम ला रहे हैं। चलो आज तो हम स्नूकर गेम खेलेंगे और मुझे तो बड़ा ही मजा आने वाला है। पापा तो बहुत दिनों बाद हमें गेम खिलाने वाले हैं। अरे हाँ नैना, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे अंकल के साथ में गेम खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अरे पूजा, मेरा स्नूकर गेम कहाँ रखा हुआ है? अरे करण जी, आपका स्नूकर गेम पीछे टेरिस पे रखा हुआ है, जाकर वहाँ से ला लीजिए। अच्छा ठीक है पूजा, अभी लेकर आता हूँ। अरे देखो नैना और राजू, मैं गेम लेकर आ गया हूँ। अरे भाई जल्दी से मेरे हाथ में से ले लो, बहुत ज्यादा वजन है इसका। अरे हाँ पापा, लुकिए हम अभी आ रहे हैं। चलो जल्दी से लाजू, देखो पापा गेम लेकर आ गए हैं। चलो नैना और राजू बेटा, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इस स्नूकर गेम को किस तरह से खेलते हैं। तो इसमें दो स्टिक है, और अब तुम नैना और राजू मुझे काउंट करके बताओ कि इसमें कितने बॉल है। अरे पापा लुकिए, मैं काउंट करके बताती हूँ। अरे नहीं अंकल, मैं काउंट करके बताता हूँ, तुम लुक जाओ नैना। अरे नहीं लाजू के बच्चे, मैं गिनूंगी, शलक बाजू में जल्दी से मैं काउंट करूंगी कितने बॉल है। अरे नैना और राजू बेटा, तुम दोनों इस तरह से लड़ो मत, एक एक बारी से काउंट करो। नैना तुम काउंट करो कि बॉल कितने हैं, और राजू तुम काउंट करो कि कौन से कलर के कितने बॉल है। अच्छा ठीक है पापा, पहले मैं काउंट करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अरे पापा, इसके अंदर तो 11 बॉल है। वेरी गुड नैना बेटा, चलो राजू अब तुम काउंट करो। अरे चलो अब मेरी भाली है। 1 अंकल ब्लैक कलर का 1 बॉल है। 1, 2 ग्रीन कलर के 2 बॉल्स है। 1, 2, 3 येलो कलर के 3 बॉल्स है। 1, 2, 3, 4 और पिंक कलर के 4 बॉल्स है। चलो अब मेरी गिनती भी हो गई है। वेरी गुड नैना और राजू बेटा, चलो नैना और राजू अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसे किस तरह से खेलते हैं। तो देखो ये है इसकी स्टिक, इस स्टिक से निशाना लगाकर हमें बॉल को इस होल के अंदर डालना है। जितने बॉल हमारे इन होल के अंदर जाएंगे उतने हमारे पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो चलो नैना और राजू अब हमें टीम को डिवाइड करना है। अरे पापा, हम तो सिर्फ 3, इसके अंदर टीम डिवाइड कैसी होंगी। अरे नैना और राजू, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है। जाओ जल्दी दोनों जाकर मम्मी को मना कर लेकर आओ। अरे वाह पापा, आपने तो कितना जबरदस्त आइडिया दिया है। लुकिए मैं भी मम्मी को लेकर आती हूँ। अरे चलो लाजू, तुम्हें भी मम्मी को मनाना है, क्योंकि मेरी और पापा की टीम तो बन गई है। तुम्हारी टीम में तुम अकेले हो। चलो फिर मेरे साथ में जल्दी से मम्मी को मनाओ। अरे मम्मी आप क्या कर रही हैं? अरे मम्मी चलिए ना हमारे साथ में स्नूकर गेम खेलिए, हमारे गेम में एक पिलियल कम पड़ रहा है। नैना मैं तुम्हारे साथ में नहीं खेल सकती हूँ, देखो मुझे बहुत सारे कपड़ों की प्रेसिंग करना है। अरे मम्मा प्लीज चलिए ना हमारे साथ में, कपड़ों की स्टली आप बाद में भी कर सकती है। देखिए ना, पापा ने इतनी मेहनत से स्नूकर गेम लाए हैं और उन्होंने हमें समझा भी दिया है उसे किस तरह से खेलना है। आपको तो खेलना आता ही होगा। चलिए ना मम्मी हमारे साथ में, देखिए बहुत मजा आएगा। चलिए ना जल्दी से प्लीज मम्मा, बाद में स्त्री करने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। अरे हाँ मौसी, मैं भी प्लेसिंग करने में आपकी हेल्प कर दूंगा, प्लीज चलिए ना। नैना और अंकल की टीम बन गई है, पर मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कौन खेलेगा? अगर मैं अकेला खेला तो मैं तो हार जाऊंगा, प्लीज मासी चलिए ना। अरे तुम भी बच्चों ना, नहीं मानोगे मेरी बात। चलो अब तुम दोनों वैसे कह रहे हो ना कि बाद में तुम दोनों मेरी हेल्प कर दोगे, तो चलो मैं भी खेल रही हूँ तुम्हारे साथ में। वैसे नैना बेटे, तुम्हारी माँ तो एक्सपर्ट है स्नूकर खेलने में, कहीं हमारी टीम हार ना जाए।
अरे पापा आप फिकर मत करिए, देखिए हमारी ही टीम जीतेंगी, क्योंकि मेरे पापा को भी स्नूकर बहुत अच्छे से खेलना आता है। तो करण जी पहले स्टार्टिंग में मेरी टीम खेलेंगी। चलो राजू बेटा जल्दी से इधर आ जाओ, पहले शॉट हमें ही मारना है। अरे वाह पहला शॉट तो हमारा है, वाह माशी। ध्यान से देखो राजू बेटा, हमें स्टिक को इस तरह से पकड़ना है। देखो राजू बेटा अब तुम्हारी मासी कैसे निशाना लगाती है। तो ये गया देखो मेरा बॉल सामने के होल में। अरे शिट, मेरा ये बॉल तो मिस हो गया। अरे देखिए पापा मम्मी का तो पहला ही बॉल मिस हो गया है। चलो नैना बेटे अब हमारी बारी है। ये देखो नैना अब तुम्हारे पापा का निशाना। देखो नैना बेटे ये गया तुम्हारे पापा का बॉल। अरे वाह पापा हमारा तो एक पॉइंट बन गया है। क्या निशाना लगाते हैं मेरे पापा, देख लाजू मैं ही जीतूंगी। अरे नैना गेम तो अभी शुरू हुआ है, अभी देख आगे आगे होता है क्या। चलो राजू बेटा अब तुम्हारी बारी है। अच्छा ठीक है माशी। अब ये देख नैना कैसा जाता है राजू का बॉल। अरे वाह देखो माशी अपना भी एक पॉइंट बन गया है। नैना बेटे जाओ अब तुम खेलो जाकर। अच्छा ठीक है पापा अब मेरी बारी है, पर मुझे तो वो स्टिक पकड़ना नहीं आती है, आप मुझे बताइए ना उस स्टिक को कैसे पकड़ते हैं। अरे नैना बेटे बहुत इजी है, जैसे राजू ने पकड़ा था ना वैसे ही पकड़ो और इससे बॉल को किक करो। अच्छा ठीक है पापा अभी मालती हूँ। अब ये देख राजू के बच्चे कैसे जाती है नैना की बॉल, और देख नैना का निशाना। नैना के तो दो दो बॉल चले गए एक ही हॉल में, इसका मतलब अभी हमारे 3 पॉइंट बन गए हैं और तेला अभी सिर्फ एक ही पॉइंट है। तू तो हारेगा ही लाजू। अरे चुप बैठ नैना की बच्ची, अभी तो 2 ही राउंड हुए हैं, अभी तो इसमें बहुत सारे राउंड खेलना बाकी है, और देख मैं ही जीतूंगा। यहाँ पर पूरी फैमिली पूरे मजे के साथ में स्नूकर्स खेल रही है और यहाँ पर सभी राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट राउंड चालू है, देखते हैं लास्ट राउंड में क्या होता है। अरे नैना तुम्हारे पॉइंट अभी 8 है और राजू के पॉइंट 7 है, ये हमारा लास्ट राउंड है, इससे डिसाइड होगा कि कौन जीता और कौन हारा। हाँ बच्चों पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लास्ट राउंड है, इससे डिसाइड हो जाएगा कि स्नूकर गेम में कौन जीता है और कौन हारा है। अरे पापा आप बिल्कुल फिकर मत करिए, देखिए मैं ही जीतूंगी, वैसे भी मेरे 8 पॉइंट है और उस लाजू के सिर्फ 7 पॉइंट ही हुए है, देखिए लाजू हार जाएगा और मैं ही जीतूंगी। अले नैना ये तो आप लास्ट राउंड पे डिपेंड करेगा कि कौन जीतेगा। अले माशी अच्छे से बॉल डालिए, देखिए हमें ही जीतना है। अरे हाँ राजू बेटा तुम बिल्कुल फिकर मत करो, देखो हमारी ही टीम जीतेगी। देखो राजू ये तुम्हारी मासी का निशाना और ये गया बॉल अंदर। अले वाह माशी देखिए ये वाइट बॉल तो अंदर चले गया और इसके हमें मिले है 2 पॉइंट, मतलब हमारे भी हो गए हैं 9 पॉइंट। अरे पापा देखिए ना ये लाजू तो हमारी बलाबली से आ गया है, इसके भी 9 पॉइंट हो गए हैं। अब ये लास्ट वाला राउंड आपको बहुत अच्छे से खेलना है, अगर आपका मिस हुआ तो हम आउट हो जाएंगे। अरे हाँ नैना बेटा तुम बिल्कुल फिकर मत करो, देखो तुम्हारे पापा कैसे निशाना लगाते हैं। देखो नैना बेटे ये तुम्हारे पापा का निशाना और ये गया बॉल अंदर। अरे वाह पापा देखिए हमारे तो कितने सारे बॉल अंदर चले गए हैं, पिंक वाले 2 गए हैं और येलो वाले भी 2 गए हैं और ये इधर एक पिंक और गया है, मतलब हमारे तो 5 पॉइंट बन गए हैं, पहले हमारे 9 थे और ये 5 मिलाए तो हमारे 14 पॉइंट बन गए हैं, मतलब हम ही जीते हैं। ये देखो लाजू का बच्चा तो हार गया। लाजुलू जल लाजुलू जल, लाजू हार गया लाजुलू जल। चल चल नैना की बच्ची ज्यादा डींगे मत मार, खेलने में तो हार जीत लगी ही होती है, अभी कल हम साइकिल की रेस लगाएंगे फिर देखेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है। अरे हाँ हाँ ठीक है लाजू, आज का ये गेम भी मैं ही जीती हूँ और कल का गेम भी मैं ही जीतूंगी, तो सिर्फ हारते रहे लाजू। ये ले ठुल्लू लूजल लाजू कही के मैं और मेरे पापा तो बेस्ट है।